एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास चार घोड़े थे। वो चारों घोड़े बहुत ही शरारती थे। वह चारों ही घोड़े राजा के बहुत प्रिय थे। राजा चाहता था कि कोई उन घोड़ों को प्रशिक्षित करे, ताकि घोड़े की सुंदरता में चार चांद लग जाएं। लेकिन कोई भी उन घोड़ों को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा था, क्योंकि जो भी ट्रेनर आकर घोड़ों को सिखाते, वह उन्हें नीचे गिरा देते। और राजा को घोड़े प्रिय होने की वजह से उन घोड़ों को किसी को डांटने व मारने के लिए साफ मना कर रखा था। और यही कारण था कि कोई भी ट्रेनर सफल नहीं हो पा रहा था। राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी ट्रेनर इन घोड़ों को ट्रेनिंग देगा, उन्हें वह 1,00,000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर देंगे। इसके बाद बात पूरे राज्य में फैल गई। तब एक युवा ट्रेनर राजा के दरबार में आया और राजा से घोड़ों को प्रशिक्षण देने की बात रखी। राजा यह सुनकर खुश हो गए और उसने साफ उस व्यक्ति को कह दिया था कि वह घोड़ों को एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। व्यक्ति ने राजा की बात को मान लिया और राजा से कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? तभी व्यक्ति ने कहा कि आपको मुझे इन घोड़ों को साथ 1 साल के लिए अकेला छोड़ देना होगा और मैं पूरे 1 साल तक इन्हीं के साथ रहूंगा, खुआऊंगा पियाऊंगा और इनकी भी हर एक जरूरत का ध्यान मैं समय रखूंगा। राजा ने हामी भर दी और कहा, ठीक है, हम यह भी करके देख लेते हैं। कल से तुम आ जाना। अगले दिन जब ट्रेनर आया, उसने घोड़ों को लेकर बड़े बाड़े में बांध दिया। वह घोड़े वहीं पर रहते, घूमते फिरते थे। उसके बाद वह ट्रेनर खुद बाड़े में घुस गया और उसके किनारे घूमने लगा। कुछ समय बाद उसने घोड़ों को चारा खिलाया पिलाया और वही लेट कर सो गया। पूरा दिन घोड़ों को वह खुला छोड़ देता था। वह घोड़े घूमते फिरते रहते थे और शाम को ट्रेनर चारा उन्हें खिलाता था और वही रस्सी से बांध कर वह खुद भी सो जाता था। सुबह होते ही वह ट्रेनर उन घोड़ों को फिर से बाड़े में खुला छोड़ देता और जब वह उसमें घूमता तो घोड़े भी उसके पीछे भागते। अब यह रोज की उसकी दिनचर्या बन गई। वह रोज सुबह उठता, दौड़ता, घोड़े उसके पीछे दौड़ते, फिर वह उन्हें खिलाता, नहलाता और पिलाता, पूरे दिन खुला छोड़ देता और शाम को वापिस उन्हें बांध कर उन्हीं के पास सो जाता था। धीरे धीरे घोड़ों का ट्रेनर से लगाव हो गया, क्योंकि वह ट्रेनर घोड़ों को बहुत प्यार से रखता था। ऐसे देखते देखते 6 महीने बीत गए। एक दिन राजा उन घोड़ों की ट्रेनिंग को देखने आया। उसने देखा कि वह ट्रेनर बाड़े में घूम रहा है।
और चारों घोड़े भी उसके पीछे भाग रहे थे। यह देख राजा वापिस लौट गया। जब एक साल पूरा हो गया तब राजा के पास यह सूचना आई कि घोड़ों को पूरी तरह प्रशिक्षित कर दिया गया है। राजा वहां आता है। ट्रेनर एक एक करके घोड़ों के ऊपर बाड़े में राजा को बैठकर और उन्हें कंट्रोल करके दिखाता है। यह देख राजा बहुत खुश हो जाता है कि उसके प्रिय घोड़े अब पूरी तरह से प्रशिक्षित हो गए हैं। राजा ने ट्रेनर से पूछा कि तुमने यह कैसे किया? अब तक तो जितने भी प्रशिक्षण आए थे सभी असफल रहे, फिर तुमने यह कैसे किया? ट्रेनर ने कहा कि मैं इनके साथ रहकर इनका दोस्त बनकर उनको पूरी आजादी दी। फिर जब मैं दौड़ता था तो यह भी मेरे पीछे दौड़ते थे। फिर मैंने उनकी पीठ पर सीट रखी। शुरू में तो वह सीट को गिरा देते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी पीठ पर बैठता था, तब यह खड़े रहते थे। फिर मैं इनकी पीठ पर बैठकर उतर जाता था और उसके बाद यह पूरी तरह मुझे लेकर जब बैठने लगे तो मैंने इनके साथ दौड़ना शुरू किया और उनकी आदत बन गई, जिसका परिणाम आपके सामने है। यह सब देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने उस ट्रेनर को 1,00,000 सोने के सिक्के दिए और उन घोड़ों की देखरेख के लिए भी रख लिया। दोस्तों, इंसान के अंदर भी यह 4 तरह के उद्दंड घोड़े होते हैं, चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। इस कहानी में जो प्रशिक्षण है वह है आपकी बुद्धि, यानी कि आपको समय की बुद्धि से इन चारों उद्दंड को ट्रेन करना है, ताकि यह चारों आपके नियंत्रण में रहे। लेकिन उसके लिए आपको इन चारों से दोस्ती करनी होगी, इनकी कार्य प्रणाली को समझकर उस पर नियंत्रण करना होगा। क्योंकि यदि आप सोचे कि सब अचानक से हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको धीरे धीरे प्रयास करना होगा। जैसे कि पहले नंबर पर चिंता। चिंता करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि चिंतन नहीं करने से आप किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। धैर्य और शांति से हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहना चाहिए, जिससे हम इस चिंता के घोड़े को नियंत्रण करना सीख सकते हैं। दूसरा, क्रोध। क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो ना या हो, पर समय का नुकसान जरूर होता है। क्रोध उस जगह करना चाहिए जहां जरूरत हो, जैसे कि जहां आपके मूल अधिकारों का हनन हो। अकारण ही आपको गाली दे तो गाली दे रहा है, तो आपका क्रोध करना लाजमी है। अब कहां और कितना क्रोध करना चाहिए, कहां करना चाहिए
कहां नहीं करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए, यही इस क्रोध के घोड़े को सिखाना चाहिए। तीसरे नंबर पर है घमंड। घमंड यह काम में कर सकता हूं, इसे गर्व कहते हैं, पर यह काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, इसे घमंड कहते हैं। हमें गर्व करना चाहिए, घमंड नहीं। यही बात हमें अपनी बुद्धि से इस घमंड के चौथे घोड़े को समझाना चाहिए। चौथा नंबर लालच। लालच ज्ञान का होता है तो सही है, लेकिन अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच सही तरीके से, मेहनत से, बुद्धि से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन यदि गलत तरीके से कमाते हैं तो वह बुरा है। यही फर्क आपको इस चौथे घोड़े यानी लालच को समझाना चाहिए। अंत इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारे मन की बुराइयों को समझते हुए उसे धीरे धीरे प्रयास करके इसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ऐसी तमाम कहानियां हम आपके पास समय पर पहुंचाते रहें। धन्यवाद।